नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बात करता रहता हूँ। हम एक कार्यक्रम मासिक होता है, उसके बारे में हमेशा बात करते हैं। होता सूर्य का राशि परिवर्तन हर माह के मध्य में, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो मकर राशि में होने वाला भ्रमण है 15 जनवरी 2020 को, तथा जो रात्रि में 2:07 पर आरंभ होगा, तथा 13 फरवरी 2020 दोपहर 3:02 तक जो रहेगा मकर राशि में भ्रमण, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मकर राशि में भ्रमण के साथ ही सूर्य उत्तरायण में भी प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ लगभग 6 माह रहेंगे। उत्तरायण देवताओं का दिन, असुरों की रात्रि जाने आती है। मैं हर लग्न के ऊपर बात कर रहा हूँ सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं कर्क लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ, परंतु यदि कर्क लग्न के बारे में या अन्य लग्नों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाकर हमारे चैनल नवग्रह मंथन को जरूर देखें, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे वार्षिक अथवा अन्य भविष्यवाणियाँ भी आप देख सकते हैं। कर्क लग्न आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, ये पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में आप फीड करते हैं। इस प्रकार का एक चित्र आएगा। ऊपर के 3 जो खानों में, बीच में के खाने में यदि 4 नंबर लिखा है, कर्क छपा या कैंसर छपा है, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। परंतु यदि आपका बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, तो समझिए आप कर्क लग्न से जुड़े हैं। तो क्या है ये नाम के अक्षर? ही हू हे हो डा डी डू डे डो, ये नाम के अक्षर है। अब कर्क लग्न के ऊपर क्या असर आ रहे हैं, इसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह चेंज होने जा रहा है, वो है शनि। 24 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे धन से। तो पिछले 2.5-3 वर्ष की तुलना में हर प्रकार से रिश्तों में बहुत बड़े परिवर्तन लाएंगे, बेशक वैवाहिक हों, व्यापारिक हों, नौकरी से जुड़े हों। तो क्या होने जा रहा है पूरे मास में, हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ में आईज और नेत्र जो हैं, ये 29 जनवरी तक ध्यान रखना होगा। आई, नेत्र, बेशक महिलाओं को, कैल्शियम की कमी या ज्वाइंट्स में, गर्दन का ज्वाइंट है, पीठ का ज्वाइंट है, आइस का, मुंह में छाले, पेट में गड़बड़ इत्यादि, उसका ध्यान रखना होगा। दूसरे, थोड़ा सा जो है मन के ऊपर भी प्रभाव रहेगा, पेरेंटल हैप्पीनेस को लेके, माता के स्वास्थ्य को लेके। टेम्परामेंट में आपका मोर और लेस टेम्परामेंट ठीक रहेगा, ऊर्जा बीमारी के बावजूद भी, छोटी मोटी बीमारी के बावजूद भी अच्छी ऊर्जा रहेगी। बीमारी ये 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ज़्यादा है, अन्यथा नहीं है। ऊर्जा अत्यधिक अच्छी रहेगी, टेम्परामेंट आपका बढ़िया रहेगा, कोई तनाव नहीं होगा। परंतु ऊर्जा अच्छी होने के बावजूद भी आपको आत्म नियंत्रण, आप अपना डिसिप्लिन रखना होगा। नींद थोड़ी सी 29 तक कम होगी, उसके बाद में नींद आपकी बढ़ेगी, 29 तक कम रहेगी। अब नौकरी, व्यापार, खर्चे इत्यादि कैसे हैं? 30 तक धन को नियंत्रण में रखना होगा, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चों में हानि हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है। पैतृक स्रोतों को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो उसमें पैतृक स्रोतों के मिलने में थोड़ी सी शंका हो सकती है, वो एक हानि का मुद्दा बन जाता है। नौकरी में आप नौकरी परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो तारीख है, अच्छा रहेगा 9 फरवरी के उपरांत आप उस चीज़ को सोचें। विशेष करके यदि आप फौज, पुलिस इत्यादि चिकित्सा से जुड़े हैं, तो आप या कोई भी नौकरी हो, 9 तारीख के बाद सोचें। इस पूरे माह में व्यापार में कोई परिवर्तन लाने का ना सोचें। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आपके पूरे माह ठीक रहेंगे। 29 तक सिर्फ जो है पिता के साथ, माता के साथ, कार्यस्थल पर रिश्तों में थोड़ा तनाव रह सकता है। धन को लेके व्यापारिक क्षेत्रों में तनाव रह सकता है, तो रिश्तों में थोड़ा सा आपको अपने को बैक पेन हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस, नेत्रों में थोड़ी जलन, माइग्रेन टाइप, तो थोड़ा सा उसके कारण आपका रिश्ते जो है जीवन साथी के साथ, माता या पिता या वर्क प्लेस पे थोड़े से दबाव में रहते हैं। संतान हेतु ग्रह स्थिति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यदि बालक जो है 15 वर्ष से कम है, तो चंचल होते हैं, तो हाथ पैरों में थोड़ी चोट ना खा लें, उसका ध्यान रखना होगा। पढ़ाई इत्यादि के लिए आपका
बिल्कुल ठीक है, जो चाइल्ड का है प्रेगनेंसी यदि चल रही है तो वो भी थोड़ा ठीक है, सिर्फ कैल्शियम इत्यादि का आपको ध्यान रखना होगा। व्यय के ऊपर बात करते हैं तो व्यय जो है आपके कुछ दिन है जो मैं आपको बताऊंगा जिनमें व्यय हो सकता है। विदेश जाने के लिए भी भाग्य थोड़ा सा खुल सकता है इस माह में। धन की बात करते हैं तो खर्चे कर्जे या भोग सभी प्रकार के जो व्यय, मैं आपको तारीख बता दूंगा अभी, तो क्या तारीखें हैं जिन पे आपके खर्चे इत्यादि के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। देखिए 15 से लेके 18 तारीख तक कोई खर्चे की बात नहीं है। 18-19 में नौकरी के लिए, व्यापार के लिए हर प्रकार से मनोस्थिति बढ़िया है, नौकरी भी ठीक, काम भी ठीक, लाभ आपको हो गया। विदेश जाने के लिए आपका खर्चा करने का जो तारीख है वो 22 और 23 है, परंतु शेयर मार्केट सट्टा किसी को धन उधार देना या कोई भी अनवांटेड खर्चा इस समय में ना करें। 24 से 26 में कुछ अमावस्या जैसा भी पीरियड है, उसमें स्वास्थ्य के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, माता संपत्ति पे खर्चा हो सकता है। आवश्यक खर्चा ना हो जो है उससे बचें, चोरी इत्यादि, दुर्घटना इत्यादि से हानि ना हो, इस चीज़ पे बचें। उसके बाद 26 से 28 जो तारीख हैं, इन तारीखों में जो है आपका जो है इंटीरियर के ऊपर, वाहन के ऊपर छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, वाहन खरीदा भी जा सकता है तो वो अच्छा रहेगा। इसमें भी पी के या TUBR नाम के किसी जातक को आप जो है धन उधार ना दें, परंतु यह समय अच्छा है, इसमें परिवार में शुभ कार्य भी हो सकते हैं। उसके बाद से 29 और 30 तारीखों में धर्म से जुड़ी यात्रा, शिक्षा से जुड़ी यात्रा, और इसमें भी वाहन के ऊपर या ज्वेलरी के ऊपर या घर के ऊपर, इंटीरियर के ऊपर खर्चा हो सकता है, परंतु इसमें गले का हार या कान के बूंदे इत्यादि ये लॉस ना हो, इस पर ध्यान रखें। ज्वेलरी ना खो, इस पर भी ध्यान रखना होगा। इसके उपरांत बाकी दिन सारे ठीक हैं। 5 और 7 तारीख को भी धन को नियंत्रण में रखना होगा। विदेश को जाने को छोड़ के बाकी किसी चीज़ पर ध्यान मत दें, खान पीन, भोग विलास, मद्यपान पे दूर रहें, शेयर मार्केट सट्टे जो हर प्रकार से दूर रहें। इस प्रकार पूरा महीना आगे जो है 7 से 13 तक की तारीखें पूरी ठीक आपकी जा रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। मुंडन के लिए जनवरी में 17, 27, 28, 30 और 30 तारीख और फरवरी 1। अक्षरा आरंभ के लिए जनवरी 16, 20, 30, 31 तथा फरवरी 14। विवाह के लिए, सॉरी, विद्या आरंभ के लिए 15, 16, 30 और 31 जनवरी, फरवरी 6 और 14। उपनयन के लिए जनवरी 15, 27, 30 और फरवरी 4, 6 और 11। ग्रह आरंभ के लिए जनवरी 16, 17, 20, 27, 30, 31 और जनवरी तथा फरवरी 16। व्यापार के लिए जनवरी 15, 16, 17, 20, 29, 30 और 31 और फरवरी 1। ये जो व्यापार वाली तारीखें हैं, इन्हीं में आप चाहें तो नौकरी इत्यादि का परिवर्तन भी ला सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।